आई थिंक स्विच हो गया है थोड़ा कुछ टाइम से, टाइम के बाद ऐसा लगता है कि हम दोनों ये कुछ कुछ और ऐसे, ऐसे कुछ हो गया है हाँ, ये एक्चुअली हो गया आई थिंक द बेस्ट थिंग टू हैपन टू यू इज व्हेन यू हैव अ लाइफ पार्टनर हु इज फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री तो वो बहुत ईजी हो जाता है मुझे ऐसा लगता है बहुत ही एकदम स्ट्रेसफुल था सिचुएशन की हर तरफ लॉकडाउन है लोग बहुत डरे हुए थे और उस सिचुएशन में काम कैसे ज्वाइन किया जा सकता है वापस से भीड़ में जाके काम कैसे करूं वो जो सोच चल रहा था लेकिन ये भी पता था कि शुरू तो करना ही पड़ेगा हम एक्चुअली दूसरे को इतना जानते कि रिएक्शन हम समझ पा रहे थे रिएक्ट कर पा रहे थे एक्ट कर पा रहे तो आई थिंक जब हमने ये फिल्म भी देखी तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा इनफैक्ट जिसने भी देखा है उसने कहा है कि हमारा सबसे अब तक का सबसे बेस्ट काम उसमें है Hey guys, this is Hitesh Malik. You're watching me on Bollywood Life and today we have the power couple of entertainment world, Gurmeet and Debina, who are celebrating their 9 years of togetherness. Congratulations, Gurmeet, Debina. Thank and you, how Hitesh. Does it feel to be eternal forever? Eternal? Yeah, हमें लग रहा है कि काफी टाइम हो गया 9 साल नहीं यार मुझे ऐसे लग रहा है अभी की तो बात है हाँ the other day we were just talking about किसी की शादी देख देख के हम लोगों ने अपनी शादी में कितना enjoy किया it was so much fun so it actually feels like yesterday what's the secret of your happy married life that I think everyone should like there are the points that everyone should take note of I think friendship फॉर श्योर बिकॉज हम दोनों के बीच में दोस्ती पहले है उसके बाद कुछ है क्योंकि हम जब पहले मिले थे हम दोनों दोस्त थे फिर प्यार हुआ फिर शादी हुई तो आज भी हम दोस्त हैं और मुझे लगता है अगर कोई और दोस्त ना भी हो तो हम दोनों अपने आप टाइम पास कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक लॉकडाउन में हम दोनों एक दूसरे को देख देख के हमने पता नहीं दुनिया भर की बातें की और जो कहते थे लोग कह रहे थे लॉकडाउन में बहुत लड़ाइयाँ होने वाली है लकीली हमारे बीच में थोड़ी भी लड़ाई नहीं हुई That's amazing. Okay, so how does it like you guys might be different from each other, but then how do you like meet at a common point where you know opposite attracts कहते हैं जैसे? So how do you guys reach at a common point even after being different? How do you guys actually meet, create the balance? Yeah. So in order to answer your question, first we have to say that yes, we are very different. गुरमीत बिल्कुल अलग है मैं बिल्कुल अलग हूँ हम दोनों बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटी है पर वही है कि जब आप डिफरेंसेस को भूल के एक जगह पे पहुँचते हो वहीं पे आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाते हो तो जैसे कुछ कुछ गुरमीत मेरे ट्रेट्स को अपना लिया है मैंने कुछ कुछ गुरमीत के ट्रेट्स को अपना लिया है आई थिंक स्विच हो गया है थोड़ा कुछ टाइम के बाद ऐसा लगता है कि हम दोनों ये कुछ कुछ और ऐसे, ऐसे कुछ हो गया है हाँ ये एक्चुअली हो गया हम तो जैसे पहले हम दोनों में लड़ाई होती थी तो गुरमीत 2-3 दिन थोड़ा नाराज रहता था 2-3 दिन तक का तो मुझे पता नहीं पर मैंने देखा कि 1 घंटे के बाद गुरमीत नाराज़ है ऐसे बात नहीं कर रहा मैंने बोला क्या हुआ तुम नाराज़ हो क्या बोला मैं पूछे ही जा रही हूँ फिर गुरमीत परेशान होकर मुझे पूछा ऑफकोर्स नाराज़ हो हम लोगों ने अभी लड़ाई की थोड़ी देर पहले मैंने बोला हाँ लेकिन वो तो अलग टॉपिक था ना तो अभी तो मैं कुछ और टॉपिक पे बात कर रही हूँ तो वो बात करो जवाब दो मुझे बोले ये क्या कोई बात होती है कि लड़ाई हुई अभी अलग टॉपिक हो गया मैंने कहा हाँ बिकॉज वी फॉट फॉर समथिंग वी फॉट फॉर टी और कॉफ़ी मे बी बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग आउट और गोइंग टू द जिम सो दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक सो वी आर नॉट फाइटिंग ऑन दैट सो लेट्स टॉक नॉर्मली इफ वी अगेन टॉक अबाउट टी कॉफी देन वील फाइट हाँ मुझे पहले तो बहुत अजीब लगता था कि लड़ाई हुई तो मुझे टाइम लगता है थोड़ा 2-3 दिन तक भी खींच लिया और फिर देवीना बोलती थी लड़ाई के बाद ही दूसरे टॉपिक पर चली जाती थी तो मुझे अजीब लगता था अब उल्टा हो गया है अब मैं अगर लड़ता हूँ तो तुरंत टॉपिक चेंज करके मैं दूसरी बातों में आ जाता हूँ ये क्या है मतलब नहीं मैं थोड़ा सरप्राइज होकर देखी कि वाओ आई मीन दिस चेंज हैज अच्छा अब ये मत बोला तुम बदल गए हो नहीं मैं बिल्कुल आई थिंक दैट्स कॉल्ड ग्रोइंग टुगेदर या एंड वी हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड ईच अदर्स जो प्लस पॉइंट्स होता है जो अच्छा होता है हम कभी उसको लेके मतलब वो नहीं करते मुझे अगर लगे कि हाँ ये चीज़ तो बहुत अच्छी है जैसे जो जो चीज़ें भी गुरमीत की मुझे अच्छी लगती थी मैंने वो चीज़ अपना लिया है और मेरी ये अच्छी चीज़ एक ही मुझे लगता है गुरमीत को
अच्छा लगता था, उसने अपना लिया है एंड नाउ ही बिहेव्स लाइक मी एंड आई बिहेव लाइक हिम ऑन मेनी एस्पेक्ट्स. ओके, योर बेबी इज हियर. पाबो, ही इज अपना छोटू सा पाब्लो. पाब्लो, सी हाय टू एवरीवन. हेलो. ये हमारे साथ ही रहेगा. ये बैठ जाओ. कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा, घूमी करके आए? पापा घूमी करके आ गया. या सो मूविंग ऑन, हाउ कितना एडजस्टमेंट लगता है एक मैरिज को? यू नो मे बी हाईज एंड लोज होते हैं ऑलरेडी, सो कितना एडजस्टमेंट करना पड़ा आप लोगों को? हम लोगों को, मुझे लगता है हम लोगों को एडजस्टमेंट कुछ करना ही नहीं पड़ा. क्या कुछ करना पड़ा? नहीं, आई थिंक हम लोग एक फ्लो में जा रहे हैं. और ऐसा नहीं कि हम बहुत प्लानिंग करते हैं कि ऐसा करेंगे. हम आज कोशिश ये रहती है कि सबसे अच्छी बात देबिना की है कि वो मुझे भी बहुत गाइड कर देती, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसे होते हैं, हम आगे का सोचते हैं. तो देबिना का हमेशा ये कहना बहुत अच्छा लगता है कि हमें मोमेंट में जीना है. इस टाइम पे अभी क्या हो रहा है उसको हमें इन्जॉय करना है. तो रिलेशनशिप में हम दोनों का वही है कि हम आज जो कर रहे हैं, अब जो कर रहे हैं, हम वो बहुत इन्जॉय करते हैं. हम जो भी कर रहे हैं, आई थिंक हम दोनों के बीच में देबिना में वो बहुत एनर्जी है, वो बहुत ही सॉर्टेड है और वो बहुत संभाल के रखती है हर चीज़ को. उसको मालूम है कि किस तरीके से माहौल में रखना है. और अगर मैं कभी थोड़ा ऐसा होता हूँ तो मुझे बता देती है, समझा देती है. तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में. यू नो जब देबिना कहीं भटकती है तो मेरा समझना, मैं कभी समझा देता हूँ. हम एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और अगर कुछ वो बोलती है तो मैं बात सुनता हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ तो देबिना वो बात सुनती है. एंड हाउ बींग इन मीडिया कैन यू नो affect your relationship? Basically you might be some days you are super busy and some days you are super busy. How do you actually tackle this situation? I think we respect our work and we respect each other's work, and I think the best thing to happen to you is when you have a life partner who is from the same industry. To wo bahut easy ho jata hai, mujhe aisa lagta hai, kyunki hum ek dusre ka काम का डिमांड समझते हैं और हम खुद बहुत अपने काम को रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हम पार्टनर के काम को भी अच्छे से समझते हैं. तो इसलिए कभी मुझे नहीं लगता है कि हम कोई भी सवाल आज तक हमने एक दूसरे को किया, हमेशा सपोर्ट किया. इनफैक्ट बहुत ही बड़ा मतलब एक चैलेंज था, हम ऑब्वियसली डिस्कस करते, देर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, वी डिस्कस एंड देन वी रीच अ पॉइंट, बट बाय अ डिस्कशन. लाइक लॉकडाउन के बीच में, आई थिंक इन जुलाई, व्हेन द टेलीविजन इंडस्ट्री वांटेड टू स्टार्ट द वर्क बैक, बहुत ही एकदम स्ट्रेसफुल था सिचुएशन कि हर तरफ लॉकडाउन है, लोग बहुत डरे हुए थे और उस सिचुएशन में काम कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, वापस से भीड़ में जाके काम कैसे करूं, वो जो सोच चल रहा था. लेकिन ये भी पता था कि शुरू तो करना ही पड़ेगा. उस टाइम पे ये भी समझ में आ रहा था कि गुरमीत को बहुत डर लग रहा था मेरे लिए कि मैं काम करने जाऊँगी. जैसे इसको अभी जाने को मन है तो हम जाने देते हैं उसको, ऐसे जाने दिया. तो उसी तरीके से अगर किसी को कुछ करने को मन है, हम एक दूसरे को समझ जाते हैं और हम मतलब म्यूचुअली एक्सेप्ट करते हैं. तो मुझे लगता है कि आई मीन इट हैज़ हैपेंड ऑलवेज और इस बार भी ऐसा ही हुआ और एक दूसरे के काम को रेस्पेक्ट करते हैं. सो देर इज़ नो, या आई थिंक रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के काम को समझना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों मिलने से पहले हम दोनों का बहुत बड़ा सपना था. हम इसलिए मुंबई आए थे कि हम एक्टर बने, नाम कमाएं, सब लोग हमें पहचाने. तो उस चीज़ को हम समझते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं. देबिना कुछ करना चाहती है तो मैं अगर उनके पास अगर दो तीन ऑप्शंस हैं काम का, वो मुझसे डिस्कस करती है, मैं उनको बताता हूँ कि हाँ ये करना चाहिए. वैसे ही मेरे साथ भी होता है. तो आई थिंक हम दोनों में सबसे अच्छी बात है कि हम एक दूसरे के काम को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. एंड डू यू गाइस विजिट ईच अदर सेट्स एंड ऑल? बहुत ही कम एक्चुअली. हम सेट पे तो मुझे लगता नहीं तुम्हारे सेट पे मैं कभी गया हूँ, या ना ही तुम मेरे सेट पे कभी आई हो. नो, आई रिमेम्बर पल्टन के टाइम पे शी वेंट टू योर सेट. आपने सेट पे नहीं गई थी, मैं गई थी होटल में. होटल में, मतलब सेट पे नहीं है, मतलब होटल में गई हूं. और होटल में गई थी बिकॉज मेरा गुरमीत ने जब शूट स्टार्ट किया था, मेरा शूट चल रहा था और मेरा शूट फिनिश हुआ और दिवाली भी आने वाली थी. तो फिर मैंने सोचा चलो गुरमीत तो आ नहीं सकते, बट बिकॉज आई एम नॉट शूटिंग आई कैन ट्रैवल एंड स्पेंड द दिवाली.
दिवाली के वक्त स्पेंड किया और दो दिन के बाद ही मैं वापस आना चाहती थी। तो गुरमीत ने बोला तुम क्यों, ये बहुत बोर हो रही थी लद्दाख में, इतनी ठंड थी और हम लोग होटल से निकल जाते थे शूट के लिए। हाँ। तो ये जिम भी कर रही है। और अच्छा, फर्स्ट डे एक्चुअली लद्दाख में जब आते हैं तो दो तीन दिन आपको रेस्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑक्सीजन का काफी प्रॉब्लम। ये आती वेट ट्रेनिंग और वेट्स कर रहे, तो मैं और इनफैक्ट अर्जुन नामपाल, उन्होंने पहली बार जिम में देखा तो देवीना वेट्स उठा रही थी तो वो डर गए, अरे फर्स्ट डे आज आती वेट्स मत उठाओ। फिर मैं वेट करती थी कि ये लोग सब चले जाएंगे फिर मैं जाऊंगी, कोई मुझे मतलब किट किट नहीं कर सकते कि ये मत करो वो मत, मैं करूँ क्या पूरे दिन कमरे में बैठ के टीवी देखूं। और वो ऑफ सीजन था, बहुत ठंडी, मॉल भी नहीं खुला था, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं ना एक्चुअली। तो होटल में कमरे में बैठे 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 और बिना कारण सेट पे जाके धूल मिट्टी खाना कोई मतलब ही नहीं है। एक्चुअली दोनों एक्टर हमें पता है कि सेट पे माहौल कैसा हाँ, होता है। तो शूटिंग देखने की जो स्पेशल इच्छा होते हैं लोगों में वो हम दोनों में वैसा है नहीं। तो मे बी हम एक दूसरे के मेकअप रूम में आ सकते हैं या बहुत, वो कभी काफी रेयर होता है। मुझे बहुत ही कम, मुझे मेरे सेट पे तो मुझे लगता है तुम कभी आई हो। मैं गई थी तुम्हारे गीत के सेट पे एक बार और वो भी रात भर शूट था और उस टाइम पे हमारे पास एक ही गाड़ी थी तो मैं रात को गई गुरु गाड़ी लेके वापस आई और फिर कुछ तो हुआ अगले दिन सुबह फिर मैं गई भी थी लेने के लिए। तो ऐसा कुछ तुम और रोमांच दोनों आए थे और वो 24 घंटे हमने शूट किया था। हाँ, मोर देन 24 आवर्स। और एक बार तुम चिड़ियाघर के सेट पे आए थे, पर क्यों आए थे मुझे याद नहीं है, पर उस दिन हम लोगों ने कुछ इंटरव्यू किया था साथ में बट शूट के टाइम पे नहीं। हाँ, शूट के टाइम पे नहीं। ओके, बट ऐसे ही हाँ, नेवर विजिटेड द सेट एज। एंड हाउ डू यू रिस्पॉन्स टू रूमर्स दैट जस्ट अकर, लाइक मे बी लिंकअप रूमर्स, मे बी ब्रेकअप रूमर्स, हाउ डू यू रिस्पॉन्स टू दैट? घर पे ही तो है, मतलब मुझे मेरा पर्सनली मेरा ये मानना है कि हम एक्टर्स हैं, अगर हमारे बारे में बात ही ना हो तो मतलब उस एक्टर का काम ही क्या है, फायदा ही क्या है? आपके बारे में बात होनी चाहिए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो बात होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी कुछ ऐसी बातें होती है, रूमर्स होता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग एक्चुअली रिएक्ट ही नहीं करते हैं। हम लोग आपस में बात करते हैं, मस्ती करते हैं और रूमर्स पे तो हमसे ज्यादा हम दोनों को कौन जान सकता है। एग्जैक्टली यही मैं ये बोल रहा हूं, लाफ इट आउट, जस्ट डिस्कस इन द बेडरूम एंड ये चल रहा है एंड यू गाइस लाफ। ये होता है एक्चुअली दोस्त फैमिली घबरा जाते हैं कि अरे क्या हुआ, दे कॉल यू अप एंड एवरीथिंग ऑल राइट। हां मतलब मॉम डैड हमारे पेरेंट्स क्योंकि उनको हाँ गुरमीत के पेरेंट्स क्योंकि दूर रहते हैं तो वो कभी कभी परेशान होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज माई पेरेंट्स आर वेरी नियर मी और पता नहीं माई पेरेंट्स आर नेवर आस्ट ऑल्सो, मतलब पता नहीं मेरे मम्मी को तो ऐसा भी कुछ लगता ही नहीं है तो बिकॉज मम्मी को ऐसा लगता है ये बेकार बात है ऐसा, मतलब वो तो एकदम ध्यान ही नहीं होते, मुझे लगता है हमसे भी ज़्यादा मॉडर्न है। आई डोंट केयर, आई डोंट बिलीव इट, लाइक आई थिंक सबसे अच्छी बात है। अमेजिंग अमेजिंग। सो लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क कि आप लोग साथ में अब कब दिखने वाले हैं अगेन ऑन स्क्रीन, बिकॉज वी आर डाइंग टू वॉच यू गाइज अगैन। सो आई वुड से हमने अभी एक इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट ईयर हमने एक डिजिटल फिल्म की है जो 50 मिनट की है और उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो इसलिए नहीं आ पाया, लेकिन जल्द वो आने वाला है। उसका नाम शुभ विजय है, राम कमल ने उसको डायरेक्ट किया है और काफ़ी अच्छी फिल्म है। हमने हाल ही में उसको देखा है, उसमें हम दोनों को मुझे लगता है कि लास्ट हम दोनों को लोग देख पाएंगे, मतलब हाल ही में, और काफ़ी मज़ा आया। देवीना और हम दोनों ने काफ़ी टाइम के बाद हमने एक्ट किया है और बहुत लोग, मुझे लगता है रामायण के बाद एक ऐसा काम जो हम दोनों पे पूरी कहानी थी और वो काफ़ी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी काफ़ी अच्छा है और जिन जिन ने देखा है इनफैक्ट उसको फेस्टिवल की प्लानिंग चल रही है तो उसमें आप ज़रूर देख पाएंगे। वेटिंग फॉर दैट देन, एनी आइडिया व्हेन इट्स कमिंग? वेल अभी तो आइडिया नहीं है कि कब ये आने वाला है, बट फॉर श्योर मुझे लगता है कि जो प्लानिंग चल रही है जल्द ही आ जाएगा। ओके, सो दिस इज पक्का से लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज इट शूटिंग आफ्टर रामायण टू दिस वन? इट वॉज वेरी डिफरेंट, वेरी स्पेशल। एंड रामायण के टाइम में हम दोनों, मुझे ऐसा लगता, बहुत ही इमेच्योर होते थे, एक्टिंग करते थे और इसीलिए एक्टिंग में पूरा ध्यान भी था और सोचते थे कि कैसा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट, एक्चुअली वो हमारा सेकंड टाइम था एक्टिंग, लेकिन कभी कभी हंसी आ जाती थी, कभी कभी कुछ कुछ होता था एक्टिंग करते हुए एक दूसरे को देख के, मतलब वो नया नया एक रेवलेशन था। एक्टिंग का भी वो एक फील होता है, यू नो गिव एंड टेक, एक्टिंग इज ऑल अबाउट यू नो गिव एंड टेक। आप क्या देखते हो,
रामायण के वक्त हम नए भी थे, एक्टर नए थे, रिलेशनशिप भी उतना ही फ्रेश था, तो थोड़ा टाइम भी लगता, हंसी आती थी, मजाक करते थे, मस्ती करते थे। बट अभी हाल ही में जब हमने शुभ विजय शूट किया, उसमें एक मैच्योरिटी थी एक्टिंग में। हम एक्चुअली एक दूसरे को इतना जानते कि रिएक्शन हम समझ पा रहे थे, रिएक्ट कर पा रहे थे, एक्ट कर पा रहे। तो आई थिंक जब हमने ये फिल्म भी देखी तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा, इनफैक्ट जिसने भी देखा है उसने कहा है कि हमारा सबसे अब तक का सबसे बेस्ट काम उसमें है। अरे देन तो वी मस्ट लाइक डेस्परेटली वेट फॉर इट। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट, एंड ये जोड़ी हमेशा बनी रहे, दैट्स व्हाट वी प्रे फॉर, एंड वी होप टू सी यू इन मोर म्यूजिक वीडियोज, मूवीज एंड like new heights. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you.